आप लोगों का आज 24 फरवरी 2023 हमारे सामने महामानव की उपाधि से जिनको नवाजा गया है हमारे सामने इस समय उपस्थित है महामानव श्याम साधु जी। ये मानव नहीं, ये महामानव है। और अगर कोई इनके जैसा एक भी साधु इस पृथ्वी पर दिखा दे तो आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं, ऐसा बाबा जी के ऊपर इनाम रखा हुआ है, लगा हुआ है। दिनेश, क्या नाम है बाबा जी जिन्होंने नाम रखा है? रत्नेश जी, रत्नेश्वर जी सिंह के द्वारा बाबा जी के ऊपर कि आप ऐसा एक इंसान इस पृथ्वी पर दिखाते जिन्होंने सेवा की पराकाष्ठा को साबित किया है। और वो सेवा की है पशुओं की जो शायद ही किसी ने की होगी, उस निष्ठा से अपने अपने बच्चे की तरह पशुओं की सेवा बाबा जी ने किया है। जीवन पूरा जीवन पर्यंत सेवा दिया है। ऐसे ब्राह्मण समाज से आने वाले बाबा जी, इसको बना दो, हमारा हाथ खाली कर लो, तो बना ली थी, हटो इसको छपा दे, थोड़ा हथ कटी के लिए रखते हैं। जी जी, देखो ये गेहूँ भी है यार, अंगूर भी है, गेहूँ वहाँ के लिए है। जितने छोटे खाएंगे हथ कटी खाएगी, आपको हटो बुढ़ा हटो, गेहूँ वहाँ के लिए है बाबा जी। गेहूँ वहाँ के लिए, गेहूँ कहाँ रखा? गेहूँ वहाँ के लिए है, नीचे है इसमें, इसी में खाने दो, हम रखे हैं हथकठी की चक्कर। ये छोटे छोटे बाधे जी लोग खा रहे, ये लेके हनुमान भैया आकर भाग दे दो उनको, राघव को अभी से एडवांस में, राघव शुक्ला को आकर भाग दो, उनको आकर भाग दे दो भाई। ऐसा पैसा बाधा जी खा रहे अंगूर के पीछे इस समय जान दे रहे हैं। अब वहाँ भी साफ करवाए, यहाँ भी सब आठा खाटा, ताकि गाड़ी और आगे निकल जाए। हम तो खुदे चाहते हैं जंगल में, हमने कान पे खेला में, हम बस्ती के अंदर कहीं जाए हमको खुद नहीं अच्छा लगता। देखो कैसा खाए क्या मनोरम दिल से भैया, सबको अच्छा करके राघव शुक्ला को एडवांस में खूब उनको आशीर्वाद दो, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, सबको आशीर्वाद दो। इससे बढ़ के कोई हनुमान जी की पूजा हो, इससे बढ़ के हनुमान जी की कथा हो, कोई सुंदर वो हथकटी आ रही बाबा जी है? सामने से हथकटी आ रही है, ये आगे हथकटी है, हथकटी आगे। तुम लोग हटो भैया, आगे हथकटी आओ, अरे तुम लोग हटो आओ आओ, हथकटी आओ, अब आगे आगे आओ, हमारे गोद में बैठ गए, गोद में बैठ गए, तुम लोग हटो बस, अब अंगूर तुम खाओ, हटो बोल, चलो हटो, जब अंगूर जब यहाँ फेंक दिया, जब अंगूर दे लो खाओ, सब कुछ खाओ। कल सुबह हमको ये सब मिल गए, समझे बाबा जी। और वहीं मिले थे तो थोड़ा हाथ फेंक के संजय बना ले, हाँ अरे हम बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, बन रहा है, उनको काम करने दीजिए। ईटा पत्थर ताकि गाड़ी हमारी ज्यादा ज्यादा आगे निकल जाए भाई, जितना काम हम आप आगे आदमी से बस जंगल में हम चले जाए, हमारा मतलब इनको खिलाना। ओ मैं घी हिम्मत राम दुखाए नमन, ये उनका एक आज का हमको शीर्षक डालना है, साहब ने लिखा किसका गजब का वीडियो, उसमें आप शीर्षक डालिए बाबा मोरारी 2011 में मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, उसमें है, उसमें लिखेंगे बाबा 2011 में लिखेंगे कि इन बातों को सनातन धर्मी सुने, सनातन धर्मी इसका जवाब दो, जवाब बस चिल्लाओगे नाटक दिखाओगे तो धोखा खाएंगे आप। हम तो मर रहे हैं भाई, सनातन धर्म मजबूत हो, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, तो हम तो मर रहे हैं, मर के करके दिखा रहे हैं अपनी जिंदगी को, इसी ने स्वाहा किया है। देखो हथकटी की छा गोल में खा रही, उसका बालक ही यहाँ बैठा हुआ है, लाल मुंह वाली, अब तुम बहुत खा चुके हो, चलो भैया तुम भी जाओ, बड़े नहीं केवल छोटे खाओ, केवल हाँ छोटे खाओ। वहाँ खिला दिए बाबा जी, कहा उधर हाँ वहाँ सब दिया है, सब
अरे हवा देखिए आदमी का रहे देखो यही फायदा है। बाका देख उन्होंने कहा जवाब किसी ने भौंका दिया, कहीं जवाब पर नहीं तो जवाब पर नहीं, जवाब के नीचे हमने साफ करवा दिया। अरे आदमी लगा के वहाँ सब डलवाए, बाकी अंदर डलवा दिया। बड़े लोग सुशील बहुत मेहनती आदमी है, तो बजरंग बली की कृपा है जो आपको ऐसे लोग मिल जा रहे हैं। जो तो न भगाओ भाई, ए लाल महुआ जी देखो, लाल महुआ जी इनके बगल में घुटी हैं, इनका कहना बाबा हम भी तो आपसे बात देती हैं। ये छोटे छोटे यार बड़े नहीं सब देखो देखो, गेहूँ भी उसी ढंग से खा रहे हैं। देखो करीब से दिखाओ, देखो अंधो नाक समझाओ नहीं वो खा ले। अरे गो रो को, अरे कुत्ते खाएंगे तो कुत्ते को खिलाओ ना, बंदर के नाम से क्यों नाटक करते हैं। ओ मैं किसी हिम्मत के राम जो प्यार नमा कैसे गोद में बैठे देखे। हाँ बाबा जी, एक गिलहरी का बच्चा हमारे यहाँ इस समय एडमिट है। हाँ हाँ, वही पेड़ से गिर गया, फिर उसको हम घर में रख लिए। हाँ हाँ, तो है तो सब कुछ ठीक है, दूध पिला रहे हैं। हाँ, लेकिन कमजोर होता जा रहा। दूध पी रहा है हल्का फुल्का एकदम रुई से। हाँ, रुई के फीहे से। अच्छा, पिलाते हैं। हाँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पेड़ के पास गिलहरी को ले नहीं गई फिर दोबारा। नहीं, कोई बाहरी गिलहरी उसको मार भी सकती है। हाँ, इसीलिए फिर उसको काहे में रखे हो? उसको अपने पास एक डलैया है, उसी में कपड़ा वपड़ा करके उसी में रखते हैं। वो बिल्ली तो नहीं आती? बिल्ली आती है, उससे बड़ा बचाते हैं। नहीं, रात में ऐसे कमरे में रखते हैं जहाँ बिल्ली ना पहुँच पाए। बिल्ली से बचाओ उसको। हाँ, अब बताओ घोड़े का बच्चा मेरे यहाँ है। हाँ, कितना हमको कष्ट है और, लेकिन अगर निकाल लेंगे। हाँ, उस घोड़े को सही तो घोड़े का मुंह हनुमान पंचमुखी हनुमान में भी तो लगा है और क्या है? नहीं, आज तक कोई बाबा बोला? कोई नहीं। घोड़े की महिमा के बारे में कोई संत बोला? नहीं बोला, कोई नहीं बोला। ये जनता कितनी अंधी है। हाँ, वो उनसे मतलब नहीं, बाबा जो लंगोटा दिखाने कहेंगे सही बाबा। आज अभी हम न्यूज में दिखा रहे थे। हाँ, ये देखो कि जो वहाँ आया है ना भूकंप। हाँ, हाँ, तुर्की में। हाँ, सोचिए उसमें एक इंसान 12 दिन से फंसा था, बिना पानी के तड़प रहा था। हाँ, हाँ, 12 दिन सोचिए। हाँ, ऐसी दुर्गति इंसान की होती है फिर भी आँख नहीं खुलती है। फिर भी आँख नहीं खुलती। किसी नेता के देखो सिवाय कुर्सी और राजनीति के कभी कोई अच्छी बात के लिए बोलता है? नहीं। वैसे एक बात कुछ भी हो बाबा जी, मोदी में हमको ये अच्छी लगी। अरे भैया, ये तो देश को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म की सेवा में भी तो आगे आवे। हमारे जैसे आदमी की अनदेखी होगी, नाचने गाने वाले पहुंच गए वहां। पहुंच गए हमारे जैसे आदमी की आपने अनदेखी किया है, वही तो छोटे क्या अफसोस नहीं होता हमको? और फिर भी हम राष्ट्र के लिए मर रहे। फिर भी छोटा बच्चा बाबा जी। हाँ, बिना पानी के मर गया। वो खुद ही बता रहा था, उसी मलबे में दबा था। हाँ, हाँ, और बच्चा साथ में एक दबा था। हाँ, बच्चा भी दब गया था। हाँ, हाँ, क्या बिना पानी के प्यास से मर गया। भाई मलबा हटा रहे। हाँ, हाँ, और कहीं कोई फंसा है। हाँ, तो ऐसी दुर्गति सोचिए इंसान देखते हैं। और कितनी बदबू निकलती होगी जब मलबा हटता। हाँ, सड़ गई और क्या। ऐसी दुर्गति देखने के बावजूद इंसान नहीं सुधरता, नहीं है ना बाबा जी। हर आदमी को बस इनको भगाओ, इनको मना करो। हाँ, ये मना करो, चांडालो पहले। ये तो डे की मौत के ट्रेन तेरी लगातार आ रही है। आ रही है। देखो विजय खा रहे हैं हथकड़ी कहाँ है? हाँ, चना खा रहे हैं। चना खा रहे हैं उनको, चना ज्यादा। अरे हथकड़ी जरा अंगूर खा दो भैया। अंगूर सब खाओ, आगे भाग गए ये लोग। 10 किलो अंगूर था आज। अच्छा, नहीं अभी है, मजे का। अभी इसीलिए हम रोके हैं। तुम हटो। वहाँ कुछ लोग देख रहे हैं, इधर कुछ लोग देख रहे हैं। है बस लोगों को है कि अरे भाई बंदर हम नहीं खिलाएंगे तो इनका अड्डा यही है। अच्छा ये बताओ, इतना रोक टोक हुआ क्या बंदर इस इलाके से गए? नहीं भाई, इनको है भाई आप पकड़वाइए, छोड़वाइए, बाहर भेजवाइए। वही चीज, अब छोड़वाएंगे तो फिर आ जाएंगे। ऐसे बाकायदा जिन्होंने रोक लगवाई उनको आपसे सलाह लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, नाम नहीं लेंगे हम। हाँ, लेकिन जिन्होंने भी रोक लगवाई है। हाँ, उनको बाकायदा आपसे सलाह लेनी चाहिए कि पर्यावरण। हाँ, हाँ, क्या हम क्या करें, मतलब सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य होना चाहिए,
कोई हमारा रोजगार हो, हम कोई तनख्वाह दे रहे हो, कोई दक्षिणा मांग रहे हो, कोई कमाई कर रहे हो। हमारे बीच में ऐसे बाबा जी आज उपस्थित हैं जिनको देश ही नहीं बल्कि विदेशों से सम्मान मिलता है लोगों के द्वारा। बड़े बड़े लोग बाबा जी से जुड़ते हैं, बाबा जी के बातों का अनुसरण करते हैं और सेवा की वो भावना बाबा जी ने लोगों के अंदर डाली है जो जिससे कि हम हमारे व्यक्तित्व का ऐसा विकास होगा कि हम अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज को, अपने देश को इतना आगे ले जाएंगे। अगर जो चीज बाबा जी हम लोगों को समझा रहे हैं उन बातों का अगर हम लोग अनुसरण करें। नहीं, करके दिखा रहे हैं, बुढ़े हो गए और कोई कमाई नहीं और कोई उसके बाद भी कोई नहीं पहचान रहा है। हमने नेताओं के चरण की धूल मांगे, बिल्कुल मैंने गलत तो नहीं किया, इसलिए मैंने उनको योग्य समझा कि आज भारत को बचाने वाले अजय भी मसीहा पैदा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे इतना बड़ा देश बचे महाराज, बहुत बड़ी बात। और क्या, देखिए वहाँ पर इन्होंने, लेकिन सवाल है कि हम एक तरफा राह गाए जा रहे हैं सहायता के लिए, नहीं रहा तब क्या बड़ा दुख होता है। मोदी जी ने सहायता के लिए जब यहाँ से सेना भेजी है, हाँ, तो एक इतना बड़ा है जो इन्होंने कदम उठाया, हाँ, वहाँ कितने लोग मलबे में दबे होंगे, हाँ, तो बड़ा वहाँ लोगों ने बड़ा अप्रिसिएट किया, हाँ, कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हर जगह होने चाहिए, हाँ, जो सभी देश को एक समान समझे और एक दूसरे की मदद करे मुसीबत में, क्यों बाबा जी, हाँ, तो ऐसी दशा हम लोगों की भी हो जाएगी। बिल्कुल है ना बाबा जी, अगर हम लोग समय से चेतेंगे नहीं, नहीं चेतेंगे जी, बिल्कुल बहुत सही कहा। बताओ एक आदमी पूरा देखा जाए विश्व में, लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया में आपके जैसा नहीं है, एक आदमी पूरी जिंदगी खत्म कर दिया और ना कोई कमाई ना धमाई ना कोई टिकट ना नेता ना अभिनेता, सोचिए अब फिर भी नहीं कोई सुना। अच्छा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमसे जुड़े। बाबा जी एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही देश में कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग मरे, फिर भी हम लोग नहीं संभल रहे, नहीं संभल रहे, हाँ कितनी मौतें हो गई आपके सामने। देखिए आप अंदर कोरोना वार्ड में गए, हाँ, हाँ, तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं, प्रत्यक्षदर्शी, हाँ, कि कैसे लोग तड़प तड़प के मर रहे, हाँ, थे, हाँ, रात में 2 बजे बिना सांस लिए, 2 बजे कहा जा रहा है, हाँ, कि सिलेंडर ले आओ। बाप रे, वो आपने मंजर देखा, वो लड़का रोने लगा, हम बैठे चुपचाप सुन रहे हैं, वो मंजर आपने देखा है बाबा जी, है ना बाबा जी, हमको सोचे एक बार हम अंदर खिड़की में आवाज निकाले, अरे भाई कोई पत्रकार है, तो नाती ने हमको डांटा, कहीं नाना चुपचाप बैठे रहो, यहाँ अखबार मीडिया वालों को बुलाओगे ना, उनके हाथ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक है। एक ही इंजेक्शन में आपको टिकट आपका बुक कर देंगे, एक ही इंजेक्शन लगा देगी, दादी नहीं कर देंगी, अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते जी, आपको क्या मालूम कि इंजेक्शन में क्या लग रहा है, सब कोरोना इतनी लाशें हैं उनके बीच में, पत्रकार को आप ढूंढते रह जाएंगे। बताइए आप भी वहाँ कोरोना वार्ड में, आपका नाती भी, हाँ, कितने आप लोग संघर्ष करके निकल के आए, हमको कोरोना न करीना। और सबसे बड़ी बात, आपको जब ये कोरोना का वो सिम्टम आया था, हाँ, हम आपसे मिलने आए थे 2 दिन, हाँ, पहले, हाँ, हाँ, आपका मैंने हाथ भी टच किया था, सोचिए, हाँ, 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 हमने देखा था कि आपके बुखार तो नहीं है, हाँ, और आपके बुखार था, हाँ, हाँ, और मैं जो छू करके आपको गया था, लेकिन हमारे जो बुखार था तो हम तो आयुर्वेदिक दवाई से, जो संजय डॉक्टर संजय सिंह की दवा से हम ठीक हो गए, आप आए थे, हाँ, वो करो, आपने बुखार देखा, वो वायरल रहा होगा, नहीं वही उससे आयुर्वेदिक अस्पताल से हम ठीक हो गए थे, हमें कुछ नहीं, और फिर भी उठा ले गए, यही है वो हमारे नाती की मेहरबानी, पता नहीं कहाँ कैसे कहाँ किसने कौन नाम लिखा दिया, कोई ना प्रमाण ना कोई प्रूफ। अच्छा, ए सुनो हो, ए अब मैं चले आओ यार, थोड़ा हुआ जगह डाल दो किनारे, वो दूर से आ रहे हैं, देखो कोई आगे यहाँ बढ़े की हिम्मत नहीं कर रहा, थोड़ा मोरंग पे भी डाल दो, हाँ, नहीं चना पहले ले जाओ, चना निकालो, चना दे दो, हटकटी, हाँ,
कैसा गोद में बैठ कर खाती है, गोद में बैठ कर। सुशील भाई अपने मेहनती आदमी, अभी आपका गेहूँ अंगूर अरे हटा अंगूर खा दे, ये खा दे करके खा। अब अंगूर नहीं खा रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल गया हटकटी और दुलारी। इसके हाथ देखिए, हाथ शुक्ला जी का हाथ तो करते हैं। ये भैया इनका बेटा है। ये देखिए कुछ लोग और आ रहे हैं, ये लोग नीचे ऐसे फेंक दीजिए तो खा लेंगे लोग। इसके साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।